ऐसे में एक बार फिर बड़े भाई यहूदा के दिल में रहम आया। उसने कहा कि इस तरह इस बच्चे को जाया ना करो, यहाँ करीब ही एक कुआं है, उसमें डाल दो। अगर किसी सांप वगैरह ने डस लिया तो ये मर जाएगा, और अगर ये जिंदा रहा तो शायद कोई भूला बसरा काफला यहाँ आ जाए और उसे अपने साथ ले जाए, इस तरह तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा। यहूदा की बात से सब ने इत्तेफाक किया। कुरान पाक में इस तरह बयान किया गया है। फिर जब वो उसको लेकर चले और सब ने मिलकर ठान लिया कि उसे गैर आबाद गहरे कुएं की तह में फेंक दें, तो हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि यकीनन एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम उनको उनके इस सलूक से आगाह करोगे और वो तुझे ना पहचानेंगे। रवायत में है कि इस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 7 साल थी। इमाम कुर्तबी का फरमान भी यही है कि जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया वो नाबालिग बच्चे थे। ताहम तफसीर इब्ने कसीर में 17 साल जबकि कुछ मुफस्सरीन ने उम्र 12 साल भी तहरीर की है। इमाम कुर्तबी और दीगर मुफस्सरीन ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने का वाकया यूं बयान किया है कि जब वो उन्हें डालने लगे तो वो कुएं की मंडेर से चिमट गए। भाइयों ने उनके हाथ बांध दिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से रहम की दरख्वास्त की, मगर जवाब मिला, जो 11 सितारे तुझे सजदा करते हैं उनको बुला, वो तेरी मदद करें। फिर उन्हें एक डोल में रख कर कुएं में लटका दिया। जब नस्फ तक पहुंचे तो डोल की रस्सी काट दी। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। पानी में गिरने की वजह से उन्हें कोई चोट ना लगी। उन्हें करीब ही एक पत्थर की चट्टान नजर आई और वो उस पर बैठ गए। बाज रवायात में है कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस चट्टान पर बैठा दिया। आप अलैहिस्सलाम 3 रोज तक उस कुएं में रहे। भाई यहूदा दूसरे भाइयों से छुपकर रोजाना उनके लिए खाना पानी लाता और डोल के जरिए उन तक पहुंचा देता था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के बाद उन्हें फिक्र हुई कि आप वालिद को क्या जवाब देंगे। चुनांचे उन्होंने एक बकरी जबह की और उसका खून हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर लगाकर इशा के वक्त आहो बका करते वालिद के पास पहुंचे और कहने लगा, अब्बा जान, हम सब ने तो दौड़ने में लग गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमने सामान के पास बिठा दिया था, एक भेड़िया उन्हें खा गया, और आप अलैहिस्सलाम हमारा क्यों यकीन करने लगे अगरचे हम कितने ही सच्चे हों। मुफस्सरीन लिखते हैं कि उन्होंने कमीज को खून में लथपथ तो कर दिया था, लेकिन वो ये भूल गए कि अगर भेड़िया यूसुफ अलैहिस्सलाम को खाता तो कमीज कैसे सलामत रह जाती। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कमीज देकर अंदाजा कर लिया कि ये झूठ बोल रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बेटो, ये कैसा हकीम और अकलमंद भेड़िया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस तरह खाया कि कुर्ता कहीं से भी ना फटा और सही सालम रहा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हकीकत यूं नहीं है, बल्कि तुम अपने दिल से ये बात बनाकर लाए हो, बस मेरे लिए सबर ही बेहतर है और जो तुम बयान करते हो उसके बारे में अल्लाह ही से मदद मतलूब है। तफसीर कुतुबी में है कि एक तजारती काफला जो मुल्क शाम से मिस्र जा रहा था रास्ता भूलकर उस गैर आबाद जंगल में पहुंच गया। काफले के लोग पानी की तलाश में सरगर्दान थे कि एक शख्स मालिक बिन दबर उस कुएं तक पहुंच गया। उसने पानी लेने के लिए डोल डाला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने डोल की रस्सी पकड़ ली। मालिक बिन दबर ने डोल को भारी देखकर ऊपर खींचा, लेकिन जब उसने डोल के साथ एक नौ उम्र बच्चे को देखा तो खुशी से पुकार उठा, अरे बड़ी खुशी की बात है, ये तो बड़ा अच्छा लड़का निकल आया। सही मुस्लिम में शबे मेराज की हदीस में है
कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिला तो देखा कि अल्लाह ताला ने पूरे आलम के हुस्न जमाल में से आधा उनको अता फरमाया है और बाकी आधा सारे जहान में तकसीम हुआ है। मुफस्सरीन लिखते हैं कि सौतेला भाई रोजाना खाना लाया करता था। उस रोज जब वो कुएं पर आया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को ना पाया तो भाइयों को बुला लाया। सब यूसुफ अलैहिस्सलाम को तलाश करते काफले वालों के पास जा पहुंचे और उनसे कहा, तुम्हारे पास जो लड़का है वो हमारे गुलाम है, हमसे भागा हुआ है, अब ये हमारे लिए बेकार है, तुम चाहो तो उसे खरीद लो। काफले वाले एक अजनबी जगह पर थे, सो उन 10 भाइयों के खौफ से उन्हें खरीदने पर आमादा हो गए। हजरत इब्ने मसूद और हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि उन भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 20 दरहम में फरोख्त करके आपस में 2-2 दरहम तकसीम कर लिए। इमाम मुजाहिद की रवायत के मुताबिक भाई काफला रवाना होने तक वहाँ रहे, कुछ दूर उनके साथ भी चले और उन लोगों से कहा कि उसे बांध कर रखें, ऐसा ना हो कि फिर भाग जाए। उन्हें डर था कि कहीं वो भागकर वालिद के पास ना पहुंच जाएं। काफले वालों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में फरोख्त कर दिया। तफसीर कुतुबी में है कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर कीमतें लगाना शुरू की, यहाँ तक कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजन के बराबर सोना, वजन के बराबर मुश्क और वजन के बराबर रेशमी कपड़े में फरोख्त कर दिए गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने वाला शख्स अजीज मिस्र यानी वजीर मुमलिकत था, जो खजाना और अमूर सल्तनत पर हावी था। इब्ने इसहाक फरमाते हैं कि उसका नाम अतफीर बिन रोहेब और उसकी बीवी का नाम राइल बिन रुमाबील था। उन दिनों रियान बिन वलीद मिस्र का बादशाह था। इब्ने कसीर ताहम अक्सर मुफस्सरीन ने अजीज मिस्र की बीवी का नाम जुलैका लिखा है। इस पाठ का बकिया हिस्सा कल शाम 6 बजे अपलोड हो जाएगा।